हमारे संवाददाता देवनाथ ने इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार से बात की है, कार्यकारी अध्यक्ष। भारत एक्सप्रेस के स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ दिखाई देता है कि कुछ लोग दिल्ली पुलिस में ऐसे हैं जो हैं तो मुसलमान मगर हिंदू बनकर के जॉब कर रहे हैं, और ये बड़ी खबर है और सुरक्षा के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितना खतरनाक है, इसी बारे में हम बात करने के लिए आए हैं आलोक कुमार जी से, विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो हैं तो मुस्लिम मगर हिंदू बनकर के जॉब कर रहे हैं, इसको आप कितना गंभीर मानते हैं और किस रूप में देखते हैं? ये बहुत चिंता की बात है। भारत में सब धर्मों को मानने वाले लोग भारत के बराबर के नागरिक हैं, इसलिए पुलिस में, बाकी सब जगह भी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हिंदू है कि मुसलमान है ये प्रश्न नहीं होता। उसकी योग्यता है तो वो पुलिस में है, कुछ आपत्ति नहीं उसके धर्म के आधार पर। जब यह मालूम पड़ता है कि यह मुसलमान है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, इसके घर में मुसलमानों के सब त्योहार मनाए जाते हैं, निकाह कराया जाता है, मुर्दे को दफनाया जाता है, तो मुसलमान है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, पर नौकरी हिंदू के नाम से लेता है, रिकॉर्ड में अपने आप को हिंदू कहता है, ऑफिस में और जगत के व्यापार में हिंदू के नाते दिखता है, तो इससे बड़ा संदेह होता है। ऐसा व्यक्ति पुलिस के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सर, यही सवाल है कि जो आदमी झूठ बोल करके अपनी जॉब कर रहा है, वो भी दिल्ली पुलिस, जो बहुत सेंसिटिव जॉब जिसको माना जाता है, आतंकियों के निशाने पर रहती दिल्ली, तमाम सारी बातें हैं, तो झूठ बोल करके जो व्यक्ति जॉब हासिल करता है उससे क्या ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है? नहीं की जा सकती। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत चौंकाने वाली बात है। चार लोगों का आपने पता लगाया, अगर ये सच है तो इस बात को विश्वास करने का भी पर्याप्त कारण है कि ऐसे अनेकों लोग होंगे। ये जाल कहां तक फैला है, इस जाल को फैलाया किसने है, क्या इसके पीछे विदेशों का भी कोई समर्थन है, पाकिस्तान और आईएसआई का भी कोई समर्थन है, क्या हिंदू दिखाने कर नौकरी करने के पीछे कुछ अघट घट जाए ऐसी योजनाएं? मैं समझता हूं कि आपने यह जो खोज की है, स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसमें आपने भी पर्याप्त खतरा लिया है, और अपने कर्तव्य को पूर्ण करना, उसके लिए खतरा लेना, इसी को सच्ची पत्रकारिता कहते हैं। हमें बहुत धमकियां आई, हमारे पास बहुत धमकियां आई, लेकिन हम डरे नहीं, हम कहे हम करेंगे, हमने एफआईआर भी दर्ज कराई कुछ लोगों के खिलाफ, लेकिन हमने कहा इस ऑपरेशन को हम पूरा करेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे कि ये भी एक सच। मैं विश्वास करता हूं कि गृह मंत्रालय आपके ऑपरेशन को गंभीरता से लेगा, ऐसे लोगों के बारे में जांच की जाएगी, इसके पीछे का षड्यंत्र जितना भी बड़ा हो उसको एक्सपोज किया जाएगा, और कानून सम्मत सब कार्रवाई करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो ऐसा कर रहे हैं उनको उसका दंड मिले और किसी और को ऐसा करने का साहस ना हो। क्या ये इस किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है, आप ऐसा मानते हैं? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये व्यवहार ईमानदारी का नहीं है, यह छद्म है, यह छल है, और छद्म और छल ये दुष्ट प्रवृत्ति से किए जाते हैं, इसलिए इसके पीछे बड़ा खतरा हो सकता है, बड़ी योजना हो सकती है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस से आप कोई डिमांड करेंगे कि क्या इन पर कार्रवाई, अगर ये स्टिंग ऑपरेशन देखने के बाद क्या उनको कार्रवाई करनी चाहिए? मैं भारत के गृह मंत्रालय से ये मांग करूंगा कि एक उच्च स्तरीय जांच, चाहे एनआईए के द्वारा, चाहे सीबीआई के द्वारा, और फिर नॉर्मल गति से नहीं, त्वरित गति से, जल्दी होनी चाहिए, इसमें किसी तरह की ढिलाई करना देश के हित में नहीं होगा। भारत एक्सप्रेस ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, बहुत इस पर काम किया है, इसके लिए आप क्या? मैंने पहले ही कहा, आपने खतरा उठाकर किया है, आपने देश के भले के लिए किया है, ये सच्ची पत्रकारिता है, मैं आपका अभिनंदन करूंगा।
तो ये थे आलोक जी जो कह रहे थे कि इस पर गृह मंत्रालय को संज्ञान लेकर के जो लोग हैं उस पर तुरंत एक कमेटी बना करके जांच करके इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।